आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है तरुण मलिक और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ देहरादून के अंदर सहस्त्रधारा। फिलहाल मैं खड़ा हूँ सहस्त्रधारा में, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सहस्त्रधारा। देहरादून से 12 या 13 किलोमीटर दूर चल के आती है ये। अभी बहुत बढ़िया सनसेट हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है सॉरी, और सुबह के अभी बजे 11। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी रॉबर्ट्स केव, जो कि देहरादून में ही है, और इस वीडियो में आपको सहस्त्रधारा दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा पीछे पार्किंग में अपनी बाइक लगानी पड़ती है, बाइक में ऊपर तक ले आया था और बाइक को पार्किंग में लगाने के बाद ऐसा कुछ रास्ता मिला है मुझे, ये पत्थरों से जा रहा है। वैसे तो ये बहुत नीचा है, मतलब बहुत गहरा है, आगे कहीं उतरने का नीचे बन रहा होगा, तो मैं नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ। अभी इस ट्रेल से मैं जा रहा हूँ आगे जाके, वहाँ से सहस्त्रधारा शुरू हो रही है, तो आगे जाके कहीं नीचे उतरने का होगा, तो नीचे उतरते हैं, नहाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसा यहाँ का माहौल है। तो यहाँ पर आपको जगह जगह लॉकर और चेंजिंग रूम मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। मेरे पीछे बना हुआ है एक, मेरे आगे भी है ये, यहाँ पे अपना सामान जमा कर सकते हैं, अपने कपड़े चेंज वेंज कर सकते हैं नहाने के लिए। अभी आगे चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये शुरू हो रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत तेज़ है, लेकिन मिट्टी से का पानी आ रहा है, यहाँ पर मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा, ये पानी बिल्कुल मिट्टी का आ रहा है और आगे जाकर शायद थोड़ा साफ़ हो रहा है। अभी हो सकता है ऊपर बारिश हुई हो तो इसलिए मिट्टी का पानी आ रहा हो। अभी थोड़ी देर जब आएंगे तो नहा लेते हैं बाद में बाकी। अभी यहाँ पे मिट्टी का पानी आ रहा है, हो सकता है ऊपर बारिश हुई हो। अभी थोड़ा नीचे जाके नहाते हैं, नीचे जाके थोड़ा मिट्टी साफ़ हो जा रही है इसकी, यहाँ पे इन्होंने बैरिकेड लगा रखे हैं तो नीचे मिट्टी साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे लोकर के चार्जेज आपको बता देता हूँ, 50 रुपये, 60 रुपये और 80 रुपये, ऐसे छोटा बड़ा साइज़ के हिसाब से लोकर है, तो आप जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा लोकर ले सकते हैं। अभी थोड़ा और आगे चल के देखते हैं, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ कैसे जाते हैं, यहाँ से शायद जाया जाएगा, इन्होंने रखा तो हुआ है, कुछ डर लग रहा है। ऊपर जाके आगे देखता हूँ, आगे जाके क्या स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका हूँ मैं, यहाँ से शुरू हो रही है, फ्लो बहुत तेज़ है। अभी मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन रास्ता नहीं है, इस पानी के ऊपर से जाना पड़ेगा। पानी के ऊपर से जाके देखते हैं कौन सा जाते हैं। तो बहुत ही खतरनाक लिफ्ट पे होकर जा रहा हूँ मैं, पानी का प्रेशर बहुत तेज़ है, अगर गिर गया तो बहुत नीचे गिरूँगा, लेकिन रिस्क है तो रिस्क है, चलिए चलते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। मुझे दिख भी नहीं रहा है कितना थोड़ा है ये, वो नो इससे तो काई लगी हुई है, मैं नहीं जा रहा हूँ नीचे, फिसल जाऊँगा मैं, इससे काई लगी हुई है, मेरा पैर फिसल गया तो मुँह लगेगा नीचे। अभी वापस ऊपर चलते हैं, कहीं और से आगे का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं साइड में पत्थरों पर चढ़ के आ गया हूँ, यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया, अभी देखते हैं कितना आगे तक जा सकता हूँ, कोई रोकेगा तो वापस हो जाऊँगा। उधर से सहस्त्रधारा शुरू हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से रास्ता होगा। अगर यहाँ पर रास्ता नहीं लगता मुझे, मैं गलत डायरेक्शन में आ गया, वो धारा उधर से कट के उधर ही जा रही है, तो मैं वापस से नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके दिखाता हूँ आपको क्या है। अभी एक ट्रैक मिला है नीचे जाके, वो पत्थर चढ़ के जा सकते हैं, तो यहाँ से नीचे चल के और वो पत्थर चढ़ के जाएंगे, जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एंड पॉइंट तक जाके देखते हैं कैसा है सहस्त्रधारा का एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलते हैं नीचे लेके आपको, कोई भी नहीं आ रहा है, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, पता लगा गिर गया तो कोई उठाएगा भी नहीं, तो रिस्क लेना पड़ता है एडवेंचर के लिए। फिर मैं गलत आ गया मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वहाँ कुछ लोग दिखे तो मैं जा ही रहा हूँ। चलो पत्थरों तक तो पहुँच गया मैं, पत्थरों में बस करंट ना हो, पत्थर पार करने पड़ेंगे ये, थैंक गॉड करंट तो नहीं है, पत्थरों पे बैठ के पत्थर पार करता हूँ, कैमरा रख देता हूँ यहाँ पे। यार मेरी पैंट फट गई, बिना बात का नुकसान हो गया, शॉर्ट्स फट गए, तार में उलझ गए। अब मुझे यहाँ से जंप करनी पड़ेगी, जंप करने में भी बहुत तगड़ा रिस्क लग रहा है मुझे, क्यों आ गया मैं यहाँ, लेकिन जब आ गया तो जंप भी करते ही हैं और क्या करेंगे, यहाँ बैठ के जंप करते हैं धीरे। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सहस्त्रधारा के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ से धारा स्टार्ट हो रही है, अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, फिर ऐसे धीरे धीरे जा रही है नीचे तक, अब तो पानी मिट्टी से का हो गया इसका, तो ऐसा कुछ दिख रहा है सहस्त्रधारा का ऊपर के एरिया, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, चलने के लिए भी जगह नहीं है,
पता नहीं चलता कहाँ कितना गहरा है, लेकिन नीचे जाके नहाने के लिए जगह बनी हुई है। अभी मैं ऊपर खड़ा हूँ, अभी नीचे जाके नहाएंगे। अभी तो मैं ऊपर विजिट देखने के लिए आया था कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कितनी दूर तक है। तो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर यहाँ तक पत्थर है, फिर उसके आगे बैरिकेड लगा रखा है, फिर उसके आगे बैरिकेड, फिर वहाँ पर नहाने के लिए जगह बनाई हुई है, वापस वहीं जाना पड़ेगा। तो अभी थंबनेल ले लेते हैं, ऐसे भी ले लेते हैं। अभी थोड़ा सा वो ट्रैक करके आगे नहाने की जगह मिलेगी तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। यहाँ तो पत्थर ही पत्थर हैं, कोई पत्थर में चोट लग जाएगी बिना बात। मैं गलती कर दी, इतने ऊपर चला गया, अब फिर नीचे उतर गया, ये चढ़ने का जीना तो बन रहा। इधर से चढ़ गया, अब आए मेन ट्रैक पे जहाँ पे पैदल चल सकते हैं। अब नीचे जाके नहाता हूँ मैं वहाँ पर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, अब मुझे आगे रोड क्रॉस करनी है। तो मैं यहाँ पे आके बैठ के नहा चुका हूँ, भाई ने मेरे बहुत सारे फ़ोटो खींच दिए। अब यहाँ बैठा हूँ मैं, बीच में एक पॉइंट है, इसके ऊपर बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए, रेस्ट कर रहा हूँ, ये तो फ़ोटो खींचा। थोड़ी देर में यहाँ से नहा के बाहर निकलते हैं, पार्कर जी के बीच। पानी बहुत गंदा है, ज़्यादा नहाने का इसमें वो नहीं है, पीछे भी बहुत दूर तक चलता रहता है ये। इसके बाद बस यहाँ से बाहर निकलेंगे और उसको फिर बंद करते हैं। पानी में एक बार कुछ लगाई, बाल तो मेरे भीग गए। अब बोलते सुनते हैं कि इसके पानी में कुछ होता है, सारी एलर्जी ठीक हो जाती है। एलर्जी तो कुछ होगी नहीं, जो होगी तो ठीक हो जाएगी। अब चाहे दरा के पानी में एक और डुबकी लगा कर फिर चलते वापस अपने बाइक पार्किंग की तरफ, और वहाँ से चेंज करके और फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर कुछ खाते हैं, देखते हैं कैसा हिसाब। मैं भी आ जाऊँगा ना इधर को जाऊँ तो। उतना मत वैसे मेरे चप्पल पहनो को पता है। तो अभी नहाना हो चुका है, वहाँ से बाहर निकल के वापस जाते हैं अपने बाइक की तरफ और फिर दिखाता हूँ आपको क्या है। पानी बहुत गंदा है लेकिन नहा लिया मैं जैसे तैसे करके। अब चलते हैं, बंद करता हूँ वीडियो। तो नहा के तुम ऊपर आ गए, अब चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता यही है जहाँ से मैं पहले आया था, अब यहाँ से बाहर चलते हैं। अभी भी नीचे बहुत भीड़ हो रही है, वहाँ से वहाँ तक पूरा भरा पड़ा है। अब बाहर जाके देखते बाहर क्या क्या मिलेगा। ऊपर आ चुका हूँ यहाँ पे, मेरा अभी बज गया 12, लेकिन मेरा फ़ोन अभी पानी में गिर गया था तो उसको फिक्स कर रहा हूँ मैं। ऐसे आवाज़ निकाल रहा है या अपने आप ही पानी निकाल रहा है। मैं फ़ोटो खींचने के लिए फ़ोन रखा था, वो शायद धारा में गिर गया, बहुत मुश्किल से मिला है। दिखाता हूँ आपको आगे। यहाँ पे एक रोप वे भी है जो नीचे से ऊपर लेके जाता है, ऊपर एक मंदिर है, उस मंदिर पर जाना हो आपको तो रोप वे है, उसका चार्ज है 200 रुपये ऊपर नीचे जाने के लिए। लेकिन मैं वहाँ गया नहीं, बस वहाँ ऊपर जाओ थोड़ा सा और फिर नीचे आ जाओ तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं था। अब मैं अपने आप पार्किंग में आ गया, यहाँ पे कब चेंज करते हैं फिर देखते हैं। मैंने आके अपना चेंज कर लिया नहा के शेष धारा में, ये मेरी बाइक खड़ी है। अब इसका सामान पैक करते हैं बाइक में वापस, जैकेट वगैरह बैग वगैरह सब सेट करके और यहाँ से निकलते हैं। तो ऐसा कुछ था शेष धारा का सिचुएशन मैंने आपको दिखाई, और शेष धारा देहरादून में आप कैसे घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको लोकर मिल जाएगा 50 रुपये में, खाना सस्ता है, खाना इतना महंगा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।